हेलो फ्रेंड्स, इंपैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जिसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, या ओटी टेक्नीशियन है, या डायलिसिस टेक्नीशियन है। तो आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बारे में, कि अगर आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT, BMLT या MSc MLT अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। तो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में 10+2 साइंस साइड से, जिसमें आपके पास में बायोलॉजी आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो इसकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी है www.ipsi.edu.in पर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है उसके स्कोप क्या है। अगर आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स अगर कर लेते हैं तो आपको क्या स्कोप मिलेगा और आप क्यों करना चाहेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी पर ईयर जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, जो पैरामेडिकल का जो स्टाफ है, उसमें पर ईयर की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 15% की ग्रोथ हो रही है। हर ईयर में आपको 15% रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। और अगर आप या अगर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स अगर कर लेते हैं तो 100% आपको प्लेसमेंट कहीं कहीं मिल जाएगा, वो चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत जानकारियां मिली होंगी, और अगर आप ऐसे ही अपडेट रहना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं और नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।